The Life of a Revolutionary Woman, Olympe de Gouges, 1748 to 1793. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो फ्रांस की औरतें हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स जो है वो नहीं दिए गए थे, और अपने इन राइट्स को पाने के लिए जो फ्रांस की औरतें हैं उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और लगभग 200 साल बाद आफ्टर फाइटिंग फॉर टू सेंचुरीज दे गॉट देयर पॉलिटिकल राइट्स, दे गॉट द राइट टू वोट. और इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ओलंपी डी गॉर्जेस के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने की काफ़ी एक्टिवली इन रेवोल्यूशंस में वुमेन के राइट के लिए जो रेवोल्यूशन हुए उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया. ओलंपी डी गॉर्जेस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस. तो उस टाइम पे जो फ्रांस में औरतों के लिए लड़ाई हो रही थी, औरतों के पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ाई हो रही थी, तो उन लड़ाइयों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं, जो औरतें थीं, उनमें से एक ओलंपी डी गॉर्जेस भी थी. शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज द एक्सक्लूडेड वुमेन एंड बेसिक राइट्स फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बींग वॉज एंटाइटल्ड टू. तो जो गॉर्जेस हैं उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई थी उसका, और जो उसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन थे, इन चीज़ों का गॉर्जेस ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया, अपोजिशन किया, क्योंकि इसमें औरतों के लिए कुछ भी नहीं था. ये जो सारे राइट्स थे वो आदमियों को दिए जा रहे थे, औरतों को नहीं. जो भी बेसिक राइट सभी ह्यूमंस को मिलने चाहिए, सभी लोगों को मिलने चाहिए, वो सारे राइट जो हैं वो सिर्फ आदमियों को दिए जा रहे थे, औरतों को नहीं. So in 1791, she wrote a Declaration of the Rights of Woman and Citizen, which she addressed to the Queen and to the members of National Assembly, demanding that they act upon it. तो 1791 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक Declaration of Rights of Woman and Citizen बनाया. जो National Assembly थी उसने जो Constitution बनाया था उसमें उन्होंने Declaration of Rights of Men किया था, आदमियों के लिए बनाया था. But अब ओलंपी डी गॉर्जेस ने बनाया वो औरतों के लिए बनाया, और वो डिक्लेरेशन बनाने के बाद उन्होंने उसको एड्रेस किया टू द क्वीन. उस टाइम तो मोनार्की थी, लुई 16 की जो बीवी हैं उनको उन्होंने एड्रेस किया और नेशनल असेंबली को एड्रेस किया, और वो ये डिमांड कर रही थी कि इन लोगों को इस डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन पे एक्शन लेना होगा, औरतों को भी राइट उन्हें देने होंगे. इन 1793 ओलंपी डी गॉर्जेस क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सिबली क्लोजिंग डाउन द वुमेन्स क्लब. और 1793 में जब रेन ऑफ टेरर के टाइम जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने जो वुमेन्स के क्लब थे उन पर बैन लगा दिया, और इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया ओलंपी डी गॉर्जेस ने. शी वॉज ट्राइड बाई द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज्ड विद हर ट्रीजन. और ये सब अपोजिशन करने के बाद जो जैकोबिन गवर्नमेंट है उसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी वो नेशनल कन्वेंशन कहलाई थी. तो जो नेशनल कन्वेंशन है उसने फिर ओलंपी डी गॉर्जेस को ट्राई किया, उसका ट्रायल किया, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर मुकदमा चला. किस जुर्म में, कि उन्होंने ट्रीजन किया है. ट्रीजन मतलब एक तरीके से राजद्रोह, देश के विरोध हो गई हैं, उन्होंने देश के खिलाफ काम किया है. तो इस चार्ज में उनको कन्वेंशन के सामने उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया. सून आफ्टर दिस शी वॉज एग्जीक्यूटेड, और इसके बाद ही उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें मौत की सजा सुना दी गई. Some of the basic rights set forth in Olympe de Gouges declaration. तो कुछ जो basic rights जो कि Gouges ने अपने declaration of right of women and citizens में लिखे थे, तो उन पर हम बात कर लेते हैं. Woman is born free and remains equal to men in rights. तो वो कहती हैं कि जो औरत है वो आज़ाद पैदा होती है, और जितने की किसी आदमी के right हैं उतने ही औरत के भी होते हैं. The goal of all political associations is the preservation of natural rights of women and men. These rights are liberty, property, security and above all resistance to oppression. तो वो कहती हैं कि कोई भी जो political association है उसका main aim क्या है, कि वो जितने भी औरतें हैं और जितने भी आदमी हैं उन सभी के natural rights को preserve करे. Natural rights कौन कौन से हैं, liberty हो गया मतलब आज़ादी, उनको property उनको मिले, security मिले उनको एक तरीके से सुरक्षा मिले, और oppression को resistance रेजिस्ट करने की उन्हें आज़ादी है, मतलब अगर उनके ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, अगर उन्हें कोई अप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका विरोध ये लोग कर सकते हैं. तो ये जो नेचुरल राइट्स हैं इन सबको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, प्रोटेक्ट करने का की ड्यूटी है किनकी, पॉलिटिकल असेंबलीज की.
बट ये जो पॉलिटिकल असेंबलीज हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों के ही राइट्स को वो प्रोटेक्ट करें, बल्कि उनकी ये भी ड्यूटी होनी चाहिए, उनका ये भी गोल होना चाहिए कि वो औरतों के इन नेचुरल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें. द सोर्स ऑफ ऑल सोवरनिटी रिजाइड्स इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन. उसके बाद जो गॉर्जेस हैं वो अपनी डिक्लेरेशन में लिखती हैं कि किसी भी नेशन की जो सोवरनिटी है, सोवरनिटी मतलब जो हाईएस्ट पावर है, वो यूनियन ऑफ मेन एंड वुमेन से निकल के आती है. मतलब बेसिकली जो देश में सबसे हाईएस्ट पावर है वो किसी एक आदमी के पास नहीं होगी, बल्कि पूरे नेशन के पास होगी, पूरे देश के लोगों के पास होगी. एंड व्हेन वी से नेशन, तो उससे वो कहना चाहती हैं कि नेशन का मतलब ये है कि दोनों, आदमी भी और औरतें भी, मिलके नेशन को बना रही हैं. और जो सोवरेनिटी है, जो हाईएस्ट पावर है, वो ड्राइव कहाँ से हो रही है, वो किससे मिल रही है, तो वो लोगों से मिल रही है. मतलब औरतें और आदमी दोनों से हाईएस्ट पावर जो है उसको पावर मिल रही है. द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल. जो लॉ है वो जनरल विल का एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब आमतौर पर लोग क्या चाहते हैं वो होना चाहिए लॉ. ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स शुड हैव अ से ईदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इट्स फॉर्मुलेशन. और लॉ को बनाने में सभी लोगों का, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जो है इंक्लूजन होना चाहिए, उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. मतलब कि जब कोई लॉ बन रहा है तो ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ आदमी ही उस लॉ को बनाए या आदमियों का ही कंट्रीब्यूशन उस लॉ को बनाने में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. बल्कि औरत और आदमी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन किसी भी लॉ को बनाने में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब लॉ बनेगा तो वो आदमियों पे भी लागू होगा और औरतों पे भी लागू होगा. तो जब वो औरतों पे भी लागू होगा तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो औरतें हैं वो भी लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करें. इट शुड बी द सेम फॉर ऑल. और जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए. फीमेल इक्वली एंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड विदाउट एनी अदर डिस्टिंक्शन दैन दैट ऑफ देयर टैलेंट्स. तो वो कहते हैं कि जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उन सब में जो अपॉर्चुनिटी है, औरतों को और आदमियों को दोनों को समान रूप से मिलनी चाहिए. और जो भी उन्हें जॉब मिलेगी वो उनके टैलेंट एंड एबिलिटीज के बेसिस पे होनी चाहिए. उनकी एबिलिटी क्या है, वो कितने लायक हैं, उस चीज़ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, ना कि किसी जेंडर बेसिस पे कि सिर्फ आदमियों को ये जॉब दी जाएगी औरतों को नहीं. ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ उनकी टैलेंट्स और एबिलिटी के बेसिस पे उन्हें जॉब मिलनी चाहिए और जो भी अपॉर्चुनिटी होगी वो इक्वल मिलनी चाहिए. मतलब एक जॉब की पोजीशन खुली है, अब इस जॉब पे अपॉर्चुनिटी मतलब क्या हो गया कि औरत भी अप्लाई कर सकती हैं और आदमी भी, मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई. और जब इस पे चुना जाएगा, जब सिलेक्शन होगा, तो ऐसा ना देखा जाए कि हम आदमी को चूज करेंगे, ऐसा नहीं देखना चाहिए. बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि चाहे औरत है चाहे आदमी है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कैपेबल कौन है, ये क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का. राइट, अपॉर्चुनिटी मतलब बोथ कैन अप्लाई, ठीक है. और सिलेक्शन जब होगा तो जो डिस्टिंक्शन है वो नहीं होना चाहिए, उनकी एबिलिटी के बेसिस पे, उनके टैलेंट के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होना चाहिए. Then no woman is an exception. She is accused, arrested, and detained in cases determined by the law. Women like men obey this rigorous law. और इसमें फिर फिफ्थ वाले पॉइंट में ये कहा गया है कि जो औरत है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो कुछ अलग से नहीं है. मतलब कि अगर औरत किसी कानून का उल्लंघन करेगी तो उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उसे डिटरमाइन किया जा सकता है, वो भी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ. सिर्फ उन्हीं चीज़ों में जिसमें लॉ कहता है कि ऐसा जो डिटेंशन है या एक्यूजिशन है वो होना चाहिए. बट अगर औरत कुछ ऐसा कर रही है जो कि लॉ परमिट कर रहा है, जिस पे लॉ बैन नहीं लगाता, तो फिर औरत के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए. तो वुमेन जो है वो आदमियों की ही तरह इस रिगरस लॉ को, मतलब कानून को, उसे ओबे करना होगा, उसको मानना होगा. नाउ इन 1793 द जैकोबिन पॉलिटिशियन शॉमिट्स सॉट टू जस्टिफाई द क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. तो 1973 के टाइम में जो जैकोबिन गवर्नमेंट है उसने वुमेन्स के क्लब को बंद करा दिया था. तो जो शॉमिट है वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. हैज नेचर इंट्रस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज टू मैन, हैज शी गिवन अस ब्रेस्ट टू नर्चर बेबीज. तो जो शॉमिट है वो कहते हैं कि क्या नेचर ने डोमेस्टिक ड्यूटीज को पूरा करने की ड्यूटी मैन को दी है या औरतों को दी है. वो कहते हैं कि क्या बच्चे को नर्चर करने के लिए, बच्चे को बड़ा करने के लिए जो ब्रेस्ट हैं वो आदमियों को मिली हैं कि औरतों को मिली हैं.
वो एक तरीके से नेचर का सहारा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेचर ने औरतों को घर का काम करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, डोमेस्टिक जो ड्यूटीज हैं वो औरतों को दिया, नेचर ने आदमियों को नहीं। शी सेड टू मैन बी अ मैन। तो यहाँ पे जो शी है वो नेचर के लिए यूज किया जा रहा है, कि जो नेचर है उसने आदमी को कहा कि बी अ मैन, कि एक आदमी बनो। हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज, दैट इज योर किंगडम। तुम शिकार करो, तुम एग्रीकल्चर करो, खेती बाड़ी करो, अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज निभाओ, तुम्हारा ये सब काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये राज्य है। शी सेड टू वुमेन, और जो नेचर है उसने औरतों को कहा बी अ वुमेन, तुम औरत बनो। अब औरत कैसे बना जाता है? द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटीज ऑफ मदरहुड, दोज आर योर टास्क। मतलब जो घर का काम है और जो मदरहुड बनने की ड्यूटीज है, मतलब जो मदर की ड्यूटी है वो तुम करो, ये औरतों का काम है। शेमलेस आर दोज वुमेन हु विश टू बिकम मैन। तो वो कहते हैं वो वुमेन बहुत ही शेमलेस हैं, वो बहुत ही बेशरम हैं जो कि आदमी बनने की कोशिश कर रही हैं। हैव नॉट ड्यूटीज बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ड्यूटीज हैं वो नेचर ने सही रूप से डिस्ट्रीब्यूट की हैं, कि आदमियों को बाहर का काम करना है और औरतों को घर का, ये नेचर ने बोला है। तो ये जो औरतें हैं जो आदमी बनने की कोशिश कर रही हैं, जो बाहर का काम करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। तो ऐसा जो शॉमेट है वो कह के अपने इस एक्ट को, मतलब जो उन्होंने विमेंस के क्लब को जो बैन किया था, जो रोक लगाई थी, इस पूरे एक्ट को ही वॉन्टेड टू जस्टिफाई बाई सेइंग दैट द नेचर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द ड्यूटीज फेयरली, और जो नेचर है उसने पर्टिकुलर काम सिर्फ मेन को दिया है और वुमेन को। बट सच तो ये है कि नेचर हैज नॉट डिवाइडेड दिस वर्क। नेचर ने तो सिर्फ औरत और आदमी बनाए हैं, नेचर ने काम डिसाइड नहीं किया है। तो ये जो काम है कि कौन क्या करेगा, ये तो सोसाइटी ने मिलके इवॉल्व किया है, तो सोसाइटी ने मिलके डिसाइड किया। और जब सोसाइटी किसी चीज़ को बना सकती है तो डेफिनेटली उसको बिगाड़ भी सकती है। अगर पुराने पुराने टाइम से आदमी इस तरीके के काम कर रहे हैं, वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, यू मस्ट हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग्स इन योर हिस्ट्री बुक, बट मतलब मेनली ऐसा हमें लगता है कि एंशंट टाइम पे भी आदमी जो है वो हंटिंग गैदरिंग वगैरह करते थे और औरतें घर में रहती थी। तो कोई बात नहीं, अब हम उसको चेंज कर देते हैं, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, कि औरतें जो हैं वो दोनों काम कर लेंगी और आदमी जो है वो भी दोनों काम कर लेंगे, कि वो बाहर भी जाएं और घर का भी कुछ काम कराएं, और औरतें भी बाहर भी जाएं और घर का भी कुछ काम करें। तो ये चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं है? तो औरतों ने तो इस चीज़ को समझा और इसीलिए वो अपना रेवोल्यूशन को कंटिन्यू रखा उन्होंने, और अपना जो राइट टू वोट है वो उन्होंने आखिरकार लिया।